పోస్టల్ బ్యాంకింగ్ సేవలను ప్రారంభించిన అనంతరం ఢిల్లీలోని తల్కతోరా స్టేడియంలో ప్రధాని మోదీ మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు ఆ లైవ్ చూద్దాం. जब वो चिट्ठियां पढ़ता हूं तो लगता है कि लिखने वाला सामने ही है, अपनी बात सीधे मुझसे कह रहा है. साथियों, हमारी सरकार की अप्रोच समय के साथ चलते हुए भविष्य की आवश्यकताओं के हिसाब से व्यवस्थाओं में आवश्यक बदलाव की है. हम वो पुरातन पंथी नहीं है, हम समय के साथ बदलने वाले लोग हैं, हम टेक्नोलॉजी को स्वीकार करने वाले लोग हैं. देश की, समाज की, समय की मांग के अनुसार व्यवस्थाएं विकसित करने के पक्ष में है. जीएसटी हो, आधार हो, डिजिटल इंडिया हो, ऐसे अनेक प्रयासों की कड़ी में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक भी अब जुड़ गया है. हमारी सरकार पुरानी व्यवस्थाओं को अपने हाल पर छोड़ने वाली नहीं, बल्कि रिफॉर्म, परफॉर्म और उन्हें ट्रांसफॉर्म करने का काम कर रही है. बदलती टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और माध्यम भी बदले हैं, भले बदले हो, लेकिन मकसद तो अब भी वही है. अंतर्देशीय पत्र या इनलैंड लेटर की जगह अब भले ईमेल ने ले ली हो, लेकिन लक्ष्य दोनों का एक ही है. और इसलिए जिस टेक्नोलॉजी ने पोस्ट ऑफिस को चुनौती दी, क्योंकि लोगों को लग रहा था अब ये डाक विभाग रहेगा नहीं रहेगा, डाकिये रहेंगे नहीं रहेंगे, इनकी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी, चर्चा चल रही थी. टेक्नोलॉजी ने जो चुनौती दी, उसी टेक्नोलॉजी को आधार बनाकर हम इस चुनौती को अवसर में बदलने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. भारतीय डाक विभाग देश की वो व्यवस्था है जिसके पास 1.5 लाख से अधिक डाकघर है. इनमें से भी 1.25 लाख से अधिक सिर्फ गांव में ही है. 3 लाख से अधिक पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक देश के जन जन से जुड़े हुए हैं. इतने व्यापक नेटवर्क को टेक्नोलॉजी से जोड़कर 21वीं सदी में सेवा का सबसे शक्तिशाली सिस्टम बनाने का बीड़ा हमारी सरकार ने उठाया. अब डाकिये के हाथ में स्मार्टफोन है और उसके थैले में, उसके बैग में एक डिजिटल डिवाइस भी है. साथियों, एकता, समानता, समावेश, सेवा और विश्वास का प्रतीक ये पोस्ट पेमेंट बैंक अब देश की बैंकिंग व्यवस्था को ही नहीं बल्कि डिजिटल लेन देन की व्यवस्था को भी विस्तार देने की ताकत रखता है. आईपीपीबी में बचत खाते के साथ साथ छोटे से छोटा व्यापारी अपना काम चलाने के लिए चालू खाता भी खोल सकता है. यूपी और बिहार का जो कामगार मुंबई या बेंगलुरु में काम कर रहा है, वो आसानी से पैसा अपने परिवार को भेज पाएगा. दूसरे बैंक खातों में पैसा भी वो ट्रांसफर कर सकता है. सरकारी सहायता का पैसा मनरेगा की मजदूरी के लिए भी इस खाते का उपयोग वो आसानी से कर सकता है. बिजली और फोन के बिल जमा करने के लिए भी उसे कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इतना ही नहीं, दूसरे बैंकों या वित्तीय संस्थानों के साथ साझेदारी कर पोस्ट पेमेंट बैंक ऋण भी दे पाएगा. निवेश और बीमा जैसी सेवाएं भी अपने ग्राहकों को पहुंचाएगा. सबसे अहम बात यह है कि सभी सेवाएं बैंक के काउंटर के अतिरिक्त घर आकर डाकिये देने वाले हैं.
बैंक से संवाद, डिजिटल लेन देन में जो भी मुश्किलें अभी तक आती थी उनका समाधान भी डाकिये के पास रहेगा। आपने कितने पैसे जमा किए थे, आपको कितना ब्याज मिला, कितने पैसे आपके खाते में बचे हैं, ये सब अब घर बैठे बैठे डाकिया बता देगा। ये सिर्फ एक बैंक नहीं बल्कि गांव, गरीब, मध्यम वर्ग का विश्वस्त सहयोगी सिद्ध होने वाला है। अब आपको अपना खाता, अपने खाते का नंबर याद रखने की, किसी को पासवर्ड बताने की भी जरूरत नहीं है। ग्रामीण परिस्थितियों को देखते हुए इस बैंक की सारी प्रक्रिया को बहुत ही आसान बनाया गया है। इस नए बैंक में कुछ ही मिनटों में आपका खाता खुल जाएगा और हमारे मंत्री जी कहते थे ज्यादा से ज्यादा एक मिनट। इसके साथ ही खाता धारक को एक QR कार्ड दिया जाएगा, जो मुझे अभी दिया गया क्योंकि मेरा भी खाता खुल गया है। जो खाता नहीं है वो भी खाता तो रखता है। आपको आपको हैरानी होगी, हमारे जीवन में बैंक अकाउंट का कभी नाता नहीं आया, लेकिन जब स्कूल में पढ़ते थे तो देना बैंक की एक स्कीम थी, वो एक गुल्लक देते थे बच्चों को और एक अकाउंट खोलते थे, तो हमें भी दिया, लेकिन हमारा तो वो खाली रहा हमेशा। बाद में हम गांव छोड़ के चले गए, लेकिन बैंक अकाउंट खाता बना रहा और बैंक वालों को हर साल उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता था। अब बैंक वाले मुझे ढूंढ रहे थे खाता बंद करने के लिए, मेरा कोई अता पता नहीं था। करीब 32 साल के बाद उनको पता चला कि मैं कहीं आया हूं, तो बैंक वाले वहां बेचारे आए, बोले भाई सिग्नेचर कर दो, अभी तुम्हारा खाता बंद कर रहा है। खैर बाद में जब गुजरात में MLA बना तो तनख्वाह आने लगा तो बैंक अकाउंट खोलना पड़ा, लेकिन उसके पहले कभी नाता ही नहीं आया था और आज पोस्ट वालों ने एक और खाता खोल दिया। देखिए डाकिया सिर्फ डाक पहुंचाता जैसा नहीं, जो परिवार पढ़े लिखे नहीं होते थे तो डाकिया बैठ करके डाक खोल करके पूरी पढ़ाई सुना करके जाता था। फिर वो बूढ़ी माँ कहती थी कि बेटा बेटे को जवाब लिखना है तो कल तुम एक पोस्ट कार्ड ले आना और मैं जवाब बताऊंगी। तो दूसरे दिन वो डाकिया पोस्ट कार्ड भी लेके आता था और वो माँ लिखवाती थी, वो लिख देता था और पहुंच जाता था। यानी कैसी आत्मीय व्यवस्था, वही टेक्नोलॉजी का काम मेरा डाकिया फिर से एक बार करेगा। यानी एक QR कार्ड आपकी उंगली का निशान और डाकिये की जुबान बैंकिंग को आसान और हर आशंका का समाधान करने वाली है। साथियों, गांवों में सबसे मजबूत नेटवर्क होने की वजह से IPP भी किसानों के लिए भी एक बड़ी सुविधा सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी योजनाओं को इससे विशेष बल मिलेगा। क्लेम को समय पर सेटल करना हो या किसानों को इस स्कीम से जोड़ना हो, निश्चित रूप से इस बैंक से लाभ होने वाला है। पोस्ट पेमेंट बैंक के बाद अब योजनाओं की क्लेम राशि भी घर बैठे ही मिला करेगी। इसके अलावा ये बैंक
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बेटियों के नाम पर पैसा बचाने की मुहिम को भी गति देगा। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार देश के बैंकों को गरीब के दरवाजे पर लेकर आ गई है, वरना 4-5 साल पहले तक तो ऐसी स्थिति थी और ऐसी स्थिति बना दी गई थी कि बैंकों का अधिकांश पैसा सिर्फ उन्हीं इने गिने लोगों के लिए रिजर्व रख दिया गया था जो किसी एक परिवार के करीबी हुआ करते थे। आप सोचिए, आजादी के बाद से लेकर 2008 तक, यानी 1947 से 2008 तक, और देश भर के 20 लाख लोग सुन रहे हैं, सुनकर के चौंक जाएंगे, 1947 से 2008 तक हमारे देश की सभी बैंकों ने कुल मिलाकर के 18 लाख करोड़ रुपए की राशि ही लोन के तौर पर दी थी। 18 लाख करोड़, इतने सारे कालखंड में। लेकिन 2008 के बाद सिर्फ 6 साल में, यानी 60 साल में क्या हुआ और 6 साल में क्या हुआ, 60 साल में 18 लाख करोड़ और 6 साल में ये राशि बढ़कर 52 लाख करोड़ रुपये हो गई। ले जाओ, बाद में मोदी आएगा रोएगा, ले जाओ। यानी जितना लोन देश के बैंकों ने आजादी के बाद दिया था उसका लगभग 2 गुना लोन पिछली सरकार के 6 साल में। तेरा भी भला मेरा भी भला। और ये लोन मिलता कैसे था? हमारे देश में ये टेक्नोलॉजी तो अब आई, लेकिन उस समय एक स्पेशल परंपरा चल रही थी फोन बैंकिंग की, और इस फोन बैंकिंग का प्रसार उतना हुआ था, अने नामदार अगर फोन कर दें तो बैंकिंग और फोन पर कर्ज देने वाले बड़ा पार लोन मिल ही जाता था। जिस भी बड़े धनी धन्ना सेठ को लोन चाहिए होता था वो नामदारों से बैंक में फोन करवा देता था, बैंक वाले फिर उस व्यक्ति या उस कंपनी को जट से अरबों खरबों रुपयों का कर्ज दे देते थे। सारे नियम सारे कायदा कानून से ऊपर था उन नामदारों का टेलीफोन, कांग्रेस और उसके नामदारों की फोन बैंकिंग ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब सवाल यह भी उठता है कि बैंकों ने इस तरह की फोन बैंकिंग से मना क्यों नहीं किया? साथियों, आपको यह पता है कि उस समय बैंकों में नामदारों के आशीर्वाद से ही अधिकांश लोगों की नियुक्ति होती थी, नामदारों के प्रभाव की वजह से ही बैंक के बड़े बड़े दिग्गज भी लोन देने से मना नहीं कर पाते थे। 6 साल में लगभग 2 गुना लोन देने के पीछे यही सबसे बड़ी वजह थी। बैंकों ने ये जानते हुए भी कि उनके द्वारा दिए गए लोन की वापसी मुश्किल होगी, बस कुछ विशेष लोगों को लोन देना ही पड़ेगा, पता है नहीं आएगा दो,
इतना ही नहीं, जब ऐसे लोग कर्ज चुकाने में डिफॉल्ट करने लगे तो बैंकों पर फिर से दबाव आया, उन्हें नए लोन दीजिए। और ये गोरखधंधा, ये चक्र लोन की रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर हुआ, यानी एक बार लोन ले लिया, फिर जहां पहुंचाना था पहुंचा दिया, अब उसको फिर से वो मांग रहा है तो क्या दूसरा दो तो मैं देता हूं, वो देता है ये देता है ये देता है ये देता है, वही वही चक्र चलता था। जो लोग इस गोरख धंधे में लगे थे उन्हें भी अच्छी तरह पता था कि एक ना एक दिन उनकी पोल जरूर खुलेगी, और इसलिए उसी समय से हेरा फेरी की एक और साजिश साथ साथ रची गई। बैंकों का दिया कितना कर्ज वापस नहीं आ पा रहा, इसके सही आंकड़े देश से छिपाए गए, देश को अंधेरे में रखा गया। यानी जो लाखों करोड़ रुपए फंसे थे उसे कागजों पर सही तरीके से नहीं बताया गया, छुपाया गया, देश से झूठ बोला गया कि सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए हैं जो आना बाकी है और शक है आएंगे कि नहीं आएंगे। जिस समय देश में बड़े बड़े घोटाले उजागर हो रहे थे उस समय पिछली सरकार